हम किसी होटल में या फिर अपने घरों में भी जो खाना बच जाता है उसको हम यूं ही जूठन समझकर कहीं फेंक देते हैं, लेकिन उसी जूठन भोजन से पशुओं के लिए एक पौष्टिक आहार तैयार किया जा सकता है। और ऐसा करके दिखाया है बिहार के मोतिहारी के रहने वाले अनूप आनंद। इस पूरे स्टार्टअप पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनूप आनंद मौजूद हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये कैसे तैयार होता है और इस स्टार्टअप को ज़मीन पर लाने में इनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये फूड वेस्ट से पशुओं के लिए पौष्टिक आहार बनाने का जो सफ़र था, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन सी मुश्किलों का दौर वो पूरे सफ़र में। ये एक्चुअली ये शुरुआत हुई कि जब हम लोग किसी शादी फंक्शन में कहीं जाते थे तो नॉर्मली ये होता था कि खाना बच गया तो वो नॉर्मली, अब पहले के लोग तो ठीक है गरीबों में बांट देते थे, लेकिन आज के डेट में वैसे गरीब मिलते भी नहीं हैं जिनको बांटा जा सके। हमारे घर में ही एक फंक्शन था जिसमें ये परेशानी आई थी, फिर हम लोगों को लगा कि चलो देखते हैं बाकियों का क्या हाल है, जैसे होटल्स का, तो होटल्स और इनमें ये लोग जितने भी हैं उनको बल्क वेस्ट जनरेटर कहते हैं, जिनका प्रोडक्शन 100 केजी पर डे वेस्ट से ज़्यादा होता है उनको बल्क वेस्ट जनरेटर बोलते हैं। तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना वेस्ट को खुद ही प्रोसेस करें, तो उनका वेस्ट भी प्रोसेस नहीं हो पाता था क्योंकि उनके पास ना तो उतनी जानकारी थी, ना साधन है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है, तो उनका वेस्ट भी म्यूनिसिपल वेस्ट के साथ ही उठ के जाता था और वो कचड़े में फेंक दिया जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक कंपोस्टिंग मशीन लगा के लोग उसको कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन कंपोस्टिंग मशीन में क्या है कि वो बेसिकली कंपोस्टिंग मशीन नहीं होके वो वेस्ट रिड्यूसर की तरह से काम करता है। उसमें जो कंपोस्ट का प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए वो अप टू द मार्क नहीं अवेलेबल हो पाता है, इसलिए वो किसान उसको परचेज करने से इनकार कर देते हैं, तो उन लोगों का एक समस्या था। दूसरा, हम लोग देखते थे कि इसमें इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू है कि चावल, पनीर, दाल, साग सब्जी जो ह्यूमन के लिए इतना न्यूट्रिशनल है वो एनिमल के लिए कैसे अवेलेबल करा जा सकता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। 6-7 साल लगातार इस पर वर्क करने के बाद, स्टडी करने के बाद, तब हमने अपना प्रोसेस क्रिएट किया। उस प्रोसेस के तहत मशीनों की ज़रूरत हुई, तो बेसिकली हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मशीन लाइन से जुड़े रहे हैं, तो मशीनों को डिज़ाइन करना हमारे लिए आसान हो गया, तो मशीन भी उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन किया। और शुरुआती दौर में ये कोविड के समय की बात है, जिस समय सब कोई घर में टाइम बहुत था और ये सब वर्क करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो बहुत अच्छा ये था, अपॉर्चुनिटी था, चूँकि इंडस्ट्रीज़ बंद नहीं थी, इंडस्ट्रीज ओपन थे उस दौरान, तो मशीन जो था हम लोग अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन करके उनको भेजा फैब्रिकेटर्स को और उनके हाथ से फिर मशीनें बनवाई। बनवाने के बाद ये काम शुरू किया। शुरू करने के बाद अपने ही जो करीबी और अपनी जो गाय थी या एनिमल जो भी थे उनको देना हम लोग शुरू किए, मतलब अमेजिंग रिजल्ट मिला हम लोगों को। देखने के बाद लगता था कि ऐसा भी हो सकता है, खुद की गाय जो मेरी थी वो 12 लीटर से 22 लीटर के दूध पे आ गई, उनका पूरा लॉग बुक हम लोगों ने मेंटेन किया। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में ऐसा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा दूध करके बढ़ता है वो, एक समय अंतराल में 7 दिन 10 दिन 12 दिन में वो धीरे धीरे दूध इंक्रीजिंग होता रहता है, उसके लिए दाना को भी इंक्रीज करना पड़ता है क्योंकि बनता तो बेसिकली उसी चीज़ से। तो वो हमने देखा और उसको हमने ये कराया, फिर प्रोडक्ट को लैब टेस्ट कराया, लैब टेस्ट करा के सारा चीज़ चेक किया कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी चीज़ तो नहीं हो जा रही है उसके अंदर, तो वो सब चीज़ जब रिज़ल्ट अच्छा आया और प्रोडक्ट अमेजिंग होने लगा तो हम लोग आपस में ही आसपास के जानने वाले लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए दाने को। दाना जाने लगा तो फिर उनका भी दूध बढ़ने लगा, अब वो लोग भी क्रेजी होने लगे कि भाई हमको दाना दो, रेगुलर दाना दो।
तो देने की बात जहाँ तक थी, तो हम लोगों ने तो प्रोटोटाइप लगाया हुआ है, तो प्रोटोटाइप में जितना प्रोडक्शन होता था वही आपस में बांट देते थे, वही सब चीज़। धीरे धीरे ये हम लोग अब मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिए। 2-2.5 साल लगातार ये करने के बाद मार्केट में हम लोग इसको उतारा था। उतारने के बाद अब है कि रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है। कस्टमर कहते हैं कि रेगुलर मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है, तो हम लोग अभी उसकी कोशिश कर रहे हैं। DIA करके एक संस्था है जो अभी हम लोगों को एडवांसेस करने के लिए तैयार हो गई है, और उम्मीद है कि जल्दी ही इस फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही होता है तो वो एडवांसेस करेंगे, तो इसको हम लोग लार्ज स्केल में इसको शुरू करेंगे, जिसमें मल्टी सिटी में इसका कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा, और कलेक्शन सेंटर बना के उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल वो तैयार होता है उसको कलेक्ट किया जाएगा, और उससे किसी एक ख़ास जगह पे दाना बनाने की यूनिट पूरी अलग लगाई जाएगी। तो फिलहाल पटना से न्यूज़ 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।